बैकग्राउंड कलर डिजाइनिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो देखो उस दिन मैंने ऐसे बताया था, मैं हर एक क्लास के एक नोट्स भी मेंटेन करा हुआ, तो उसको फॉलो करेंगे और कम टाइम में हमें बहुत कुछ सीख लेंगे हर एक टॉपिक को, और एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो इससे मैंने एक नोट्स बनाया है बैकग्राउंड सीएसएस का, स्टार्ट करते हैं आपका सीएसएस बैकग्राउंड कैसे काम करते हैं। देखो एक्चुअली बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड कलर हो सकता है, बैकग्राउंड की इमेज हो सकता है, और बैकग्राउंड कोई कलर है तो कितनी बार, कोई इमेज है तो कितनी बार रिपीट करना है, कुछ और ऐड करना, पोजीशन देना, पर्टिकुलर पोजीशन सेट करना है, तो बैकग्राउंड की वो सारे प्रॉपर्टी आएंगे। ठीक है, तो अगर सर ये पोजीशन क्या है, अब जैसे स्क्रीन है ठीक है, अब मेरे को कोई इमेज रखना है तो सिर्फ मेरे को इमेज सिर्फ इतना ही रखना है। ठीक है, या फिर इतने के अंदर वो इमेज है, बाकी सब नहीं है, या तुम्हारा इमेज आ रहा है, मैं चाहता हूँ यही पर कुछ फ्लावर को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक लोकेशन हुआ कि नहीं, ये एक पोजीशन है कि लेफ्ट में रखना है, राइट में, टॉप पे, राइट कॉर्नर में, सेंटर में कहाँ रखना, ये एक पोजीशन है। तो अगर मैं कलर की भी बात करूँ तो कलर कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कलर नहीं कई नहीं लेकिन दो तीन तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। कलर का नेम होते हैं, कलर का कोड होते हैं, और कलर का फंक्शन होते हैं। यहाँ पर हमने कलर का कोड यूज करा है, ठीक है, कैसे होता है ये मैं दिखाता हूँ, पहले देखते हैं। यहाँ पर इसको देखना जरा, ये एक हमें एक हेड के अंदर स्टाइल टैग बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये स्टाइल टैग है, ओके। तो ये क्या लगा है स्टाइल टैग के अंदर, ओके, एस टू और पी दो ही फिलहाल टैग है इसके अंदर बॉडी के अंदर, कि उनके दोनों के बैकग्राउंड कलर को इस कलर रखना। अब ये कलर का कोड है और ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा कलर बहुत सारे कोड हो सकते हैं, तो मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा कलर होगा, जब डिस्प्ले होगा जब भी पता चलेगा। तो बैकग्राउंड कलर अगर देना है किसी टेक्स्ट का, किसी पैराग्राफ का, तो ऐसा हम देखें, तो मान लो हमने ये किस नाम से सेट करा हुआ test.html, ये बैकग्राउंड कलर। अब ये बैकग्राउंड का ये जो कोड था ना यहाँ पर, ये उसका कलर का कोड है, ओके। नेम देना है तो नेम दे सकते हो, कलर हम लिख सकते हैं ऐसे, मैंने रेंडमली दिया, कौन सा कलर होगा मुझे भी नहीं पता, अगर कलर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो जब मैं कलर बताऊंगा तो कितने तरीके से देते हैं ना वो सारी चीजें, उन लोगों को से कलर वो मैं बताऊंगा। तो इस प्रोग्राम में हमने ये हमें सीखना है, देखो इस हमने इसको ये सीखना है कि बैकग्राउंड हाइफन कलर कैसे यूज करते हैं, ओके, बैकग्राउंड हाइफन कलर और कलर चुनना, क्लियर। इमेज कैसे देते हैं, मान लो कि इसके पीछे मेरे को इमेज देना है, या कोई हमने टेबल बनाया उसके इमेज देना, बॉर्डर बनाया उसका इमेज देना, तो इमेज देने के लिए कैसे देते हैं मैं बताता हूँ यहाँ पर, चलो यही प्रोग्राम रहेगा, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसका स्नैपशॉट लेना है, इसकी स्नैपशॉट लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं सर, चलो ठीक है। अब देखो मैं कुछ मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए ना ये इमेज होना चाहिए, और पोजीशन भी सेट सेट कर दिया कि मार्जिन लेफ्ट होना चाहिए। अभी देखो मार्जिन पैडिंग एक दिन की क्लासेज में समय बताऊंगा, लेकिन इसने रख लिया इस प्रोग्राम में तो हमें समझ में आया। अब देखो बैकग्राउंड का इमेज हमें ये रखना होगा,
तो ये इमेज होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, तो आएगा हेलो टीसीए, यहाँ पर कोई इमेज तैयार नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक इमेज रखूँगा इसके अंदर ही, आई थिंक इमेज है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे पिक डॉट ईपीएनजी, यही इसी इमेज को मेरे को रखना है बैकग्राउंड में। तो इमेज कैसे रखते हैं, गो टू प्रॉपर्टी, पिक और डॉट पीएनजी प्रॉपर्टी, ये दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है सर। सो अभी मेरे को क्या करना है, ऐसे जाना है, लिखना है पिक डॉट पीएनजी, आ रहा है बैकग्राउंड कलर, ये नहीं सर, नहीं आ रहा। हाँ आ रहा, आ रहा, ये आ रहा। इमेज में था वो टेक्स्ट, तो ये क्या है, ये टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने लेफ्ट से 100 पिक्सल छोड़ के लिए बोला है, तो बोला कि लेफ्ट से आप इतना छोड़ के आ जाओ, इसलिए आ रहा है। और ये जो टेक्स्ट मैसेज लिखा है ना, ये इमेज के अंदर ही लिखा हुआ है, क्लियर? यस सर। तो ये हेलो टीसी कम्युनिटी वाली बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड इमेज देखा हमने, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ना वर्ड में से बैकग्राउंड हाइफन इमेज कॉलन यूआरएल, और यूआरएल के अंदर हम इमेज का नाम देते हैं प्रॉपर। हो जाए तो बोलना। यस सर। हो जाए तो बोलना, कंफर्म कर लो। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और हमने प्रोग्राम रखा है, ओके? तो यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड रिपीट, एक चीज देख, बैकग्राउंड रिपीट, अब अगर मान लो अभी एक छोटा, मैं दूसरा कोई इमेज देता हूँ, ठीक है, छोटा सा, कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको छोटा ही कर देता हूँ, इसके साइज को, और इसको मैंने कर दिया 20, तो साइज छोटी हो गई। फिर मैं इनको चेंज कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ पिक टू, कॉपी करके सेंडर में रखते हैं, और इसको लिखेंगे पिक टू, इसी प्रोग्राम में लिखेंगे पिक टू डॉट पी एन जी, ऑलरेडी है इसलिए इस केस में आउटपुट दे देते हैं। इस केस में आउटपुट क्या आ रहा है, एक ही इमेज बार बार आ रहा है, आ रहा है ना? यस सर। होता क्या है कि अगर वो एच डी क्वालिटी की मूवी है, मूवी छोटा छोटा, अगर एच डी इमेज है तो बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो दिखेगा, लेकिन अगर छोटा है तो जो साइज रहे वही दिखेगा, लेकिन पूरे स्क्रीन में फिल होके आएगा, भर के आएगा, चाहे कितनी बार भी रिपीट क्यों ना करना पड़े। तो इस तरह का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ता है रिपीट के लिए। अब यहाँ पर रिपीट एक्स दिया है ना, तो मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रिपीट करेगा, रिपीट नो करेंगे तो सिर्फ एक ही बार वो इमेज डिस्प्ले करेगा। ओके, जैसे मैं इसके कोड वही रखता हूँ, फिर ये उठाता हूँ और इसको रहने देता हूँ, ये क्या करेगा, सिर्फ एक सक्सेस पे ही रिपीट करेगा। बैकग्राउंड इमेज 52 एक सक्सेस मतलब क्या, पहली रो में, सिर्फ रो में, अभी ये सिर्फ एक ही रो में आ रहा है ना, पूरे स्क्रीन में आ रहा है, सिर्फ एक ही रो में आएगा, एक सक्सेस मतलब एक ही रो में आएगा, आ रहा, ये एक ही रो में आएगा, ये क्लियर हो रहा है? हेलो,
आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज सुन पा रहे? यस सर आ रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड इमेज को डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट एट्रीब्यूट अकाउंट करेंगे और उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने लिखा है रिपीट एक्स, मतलब एक एक्सेस यानी रूप के अंदर ही डिस्प्ले कराया गया। सर एक बार और समझा दीजिए। एक्स देखो कोऑर्डिनेट तो पढ़े होगा ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यस सर पढ़े। ओके उसी बेसिस पे आप करो पेंट को ओपन करो, यहां पे पेंट को ओपन करें यहां पे और वैल्यू पे अंदर मान लो मैं कहूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना। मान लो ये एक्स एक्सिस है ठीक है और ये वाई एक्सिस है, तो मेरे को इमेज सिर्फ इसी लाइन पे दिखाना है, इसी के बेसिस पे दिखाना है ठीक है, एक रो के बेसिस पे दिखाना है इमेज को, चाहे कितनी बार में रिपीट क्यों ना करना चाहिए, ये आ तो रहा है ना रिपीट कई बार कर रहा है, इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिपीट एक्स। ये होता है रिपीट, सॉरी नो रिपीट, नो रिपीट मतलब कि इमेज जैसी हो रिपीट नहीं करेगा, हाँ एक ही बार आएगा, चाहे इमेज जैसी हो सिर्फ एक ही बार वो इमेज आएगा, चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो। तो ये सब टैग है, ये सब छोटे छोटे टर्म्स में बता रहा हूँ फिर इसके अंदर। अब वैसे रिपीट रिपीट वाई ठीक है, तो वाई एक्सिस पे में इसी हमें प्रोग्राम करने से अच्छा मैं इसी में कर दूँ। अगर एक्स एक्सिस अगर समझ में आया तो वाई एक्सिस भी समझ में आ जाएगा है रे? Yes, sir. ये रिपीट वाई एक्सिस है। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, ओके इमेज को बैकग्राउंड अटैचमेंट, हां एक कुछ प्रोग्राम दिखाऊंगा, पहले बॉर्डर को देख लेते हैं, बॉर्डर की स्टाइल डिजाइनिंग कलर विड्थ तुम्हें बताता हूं सर। बॉर्डर क्या होते हैं पहले देख लो, बॉर्डर को कितने तरीके से, ये मान लो बॉर्डर तो ये भी है ना, ये देखो ये बॉर्डर है किसी का थिक yes, है किसी का बड़ा है, तो डॉट डॉट कलर होता है, हाइफन कलर होता है, बोल्ड में होता है, डॉटेड होता है, अंडरस्कोर होते हैं, डबल अंडरस्कोर, ग्रूवी, ये सब क्या है तरीके हैं एचटीएमएल के अंदर यूज करने का, बॉर्डर को यूज करने का। तो हमने जितने बॉर्डर के तरीके हो ना एक ही प्रोग्राम में सब लिख दिया, अगर ये समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से ये क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिखा है ये देखो, हमने बॉडी लिखा और इसमें इतने सारे पैराग्राफ लिखा हुआ और सबके लिए हमने आईडी के बेसिस पे एक्सेस करा ठीक है, डॉटेड डैश सॉलिड डबल ग्रुवी री इंसर्ट आउटलेट। अब जो जो मेन जो स्टाइल के अंदर लिखना है ना ई ई का जो क्लास नेम है नन, उनका जो बॉर्डर स्टाइल है उन्हें मैंने किया। अब यहाँ पर जो टैग मेरे को सीखना है वो है बॉर्डर स्टाइल, या अलग अलग लिखो या एक ही में लिखो, ओके इसमें एक ही में लिख गया ओके, बेटर ये होगा तो अलग अलग समझ में भी आएंगे ठीक है, ऐसे ऐसा रहे। तो डैश आता है, डॉटेड आते हैं, सॉलिड आते हैं, डबल ग्रुवी, ये स्टाइल है ड्रॉ करने के लिए ओके, ये देखो आ रहा है, अगर तो कोई बॉर्डर नहीं बना है ये देख पा रहे हो अच्छे से, ये डॉटेड है, ये डैश डैश है ठीक है, ये सॉलिड थोड़ा सा गोल्ड हो जाता है, इसके बॉर्डर डबल मतलब दो दो बॉर्डर हो जाते हैं डबल बॉर्डर, यस ग्रू मतलब होता है ना थोड़ी सी ग्रे कलर का होता है बॉर्डर ठीक है, ठीक है
इंसर्ट है, नीचे वाला नहीं रहता है यहां पे, आउटलेट है, हिडन हिडन मतलब इसका सिर्फ नीचे वाला यस ऑफ कोर्स। तो ये बॉर्डर है, इतने तरीके से हम सीएसएस में बॉर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम इसके आगे जब हम करेंगे एक दो क्लासेस के बाद आएगा टॉपिक, तो बॉर्डर के कलर, बॉर्डर डिजाइन, थिकनेस, लेंथ, लाइट वेट, सारी चीजें हम इसमें यूज करेंगे। तो अभी हम लोग ने बॉर्डर को देखा और बॉर्डर को और बॉर्डर में बहुत सारी चीजें हैं। बॉर्डर ये समझ में आया कुछ ना? हाँ सर समझ गया। ठीक है, ये मैं फाइल तुमको शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है? जो चीजें समझ में नहीं आएगी पूछना। यस सर। बॉर्डर थिकनेस, अब ये जो बाय डिफॉल्ट ये बॉर्डर इसकी थिकनेस को बढ़ाना है, घटाना है, और भी प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करना है, तो हम इसकी थिकनेस की बात करेंगे, इसकी विड्थ की बात करेंगे, ठीक है? और ये पिक्सल के बेसिस हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने कितने बॉर्डर लिया है, अब जो ही बॉर्डर लिया मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखो हमने पैराग्राफ के तीन अलग अलग क्लासेस बनाया, पहली दूसरी तीसरी। मैं चाहता हूँ क्लास पैराग्राफ जो वन है जिसकी क्लास एवरी वन है उनकी जो बॉर्डर की स्टाइल है वो सॉलिड हो जाए और जो बॉर्डर की विड्थ है वो 5 पिक्सल हो, ठीक है? टू है उनकी सॉलिड हो जाए, मीडियम हो जाए और उनकी थिकनेस 1 है। और तुम चाहो जरूर नहीं मीडियम तो मीडियम होता है, लेकिन चाहो तो बढ़ा सकते हो पिक्सल के टर्म में बढ़ा सकते हो। तो थिकनेस जो 1 है 1 पिक्सल वो सबसे मिनिमम होता है, उससे छोटा नहीं होता, उससे छोटा करने से दिखेगा नहीं, ठीक है? अब ये देखो 5 पिक्सल तुम्हें और चाहिए और बढ़ा सकते हो। तो क्या हमने समझा, हम फोकस करो कि क्या है यहाँ पर। हमने बॉर्डर स्टाइल लिया, बॉर्डर विड्थ लिया, एक अपने वैल्यू है, तीनों में हमने ये लिया बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर कलर, ठीक है? बॉर्डर कितने तरीके का बॉर्डर कलर, बॉर्डर के देखो जैसे मैंने बताया था कलर को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेम ऑफ कलर, नेम ऑफ आरजीबी, आरजीबी फंक्शन का नेम होता है, और हेक्सा कोड यानी कि कोड के बेसिस पे कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो कलर को बॉर्डर के कलर को चेंज करने के लिए बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर स्टाइल कलर रेड, और ये जा रहा है ना दिस इज अ सॉलिड रेड बॉर्डर। तो अब आईडीज में जाएगा तो अब ये तो हो गई, ये तो पहले से पता ही है पहले वाले प्रोग्राम का बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, लेकिन कलर उसमें आ जाएगा। अभी तक हमने कलर नहीं दिया, उसमें कलर आएंगे, अब कलर वो रेड होंगे, ठीक है? टू के लिए क्या है, ये भी सॉलिड ही होंगे लेकिन इनके कलर किसके बेसिस पे होंगे, अब जो भी कलर का कोड है वो कलर के पूरे होंगे। मैंने सेव किया, अब देखो यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे रेड है, हमने नेम यूज किया था इसलिए तो कोड यूज किया। क्लियर? देखो
ओके सर, ये क्लियर दूसरी चीज डिस्प्ले कैसे करते हैं किसी कंटेंट को, ये भी एक टॉपिक है डिजाइनिंग के टर्म में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले समझ लो क्या है इसमें इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस इज टू कंट्रोल द लेआउट ऑफ एन स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफाई द हाउ टू एलिमेंट टू डिस्प्ले। अब देखिए कैसे डिस्प्ले तो सीएसएस डिस्प्ले इनलाइन के जरिए से इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक किसी प्रोग्राम में करते हैं, जितने पैराग्राफ हैं वो इन लाइन वाली डिस्प्ले में। अब इसमें पैराग्राफ कितने हैं, हेलो टीसीए जावास्क्रिप्ट जो भी चीज़ लिखी है तो प्रॉपर तरीके से मैसेज डिस्प्ले करेंगे, तो पैराग्राफ एक इन लाइन के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। और ये अच्छे तरीके से मैसेज को एक्चुअली इसमें प्रॉपर नहीं दिख सकते, तो अभी देखो यहाँ पर अभी अभी एक और प्रोग्राम करूँगा तो अच्छे समझ में आएगा। इनके बीच में प्रॉपर आता है हेलो टीसीए जावा एसक्यूएल सीक्वेंस में सबको सब आया, जबकि सबको सब था यहाँ पर अलग अलग पैराग्राफ, ओके, अलग अलग पैराग्राफ को एक साथ कैसे सेट करना है। इसे मैं चाहता हूँ जितने भी हेडर फाइल हैं, हेडर फाइल में जितने भी एच वन है या जितने भी एच टू हैं सब एक साथ में लिखा जाए, एक लाइन में लिखा जाए, ओके। तो हम इन लाइन यानी कि अगर जितने भी पैराग्राफ है सबको एक ही लाइन में डिस्प्ले करना है, कोई बी आर यूज नहीं करना है, तो हम इन लाइन यूज करते हैं। तो ये समझ में आया इन लाइन का मतलब, यस सर। इन लाइन क्या करते हैं, एक ही लाइन में सारे मैसेज को डिस्प्ले करते हैं, यस सर, एक ही लाइन में मैसेज को इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या समझ रहे हैं, हर एक चीज को समझते हुए चलना। इनलाइन ब्लॉक से पहले यहाँ पर समझ दो, इनलाइन डिस्प्ले द इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट इन वेरी सिमिलर टू द इनलाइन, ओके, बट द डिफरेंस इज दैट यू आर एबल टू सेट द विड्थ एंड हाइट इन इट, ठीक है। इसके अंदर विड्थ और हाइट भी हम सेट कर सकते हैं, हालांकि इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट नहीं करा है लेकिन मैं डिस्प्ले कराता हूँ। ओके, ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक एक ही जैसे दिखेगा लेकिन इसमें विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट है और हम इसमें साइज चेंज कर सकते हैं, ऊपर से एक लाइन को छोड़ के ब्लॉक सेट कर दिया। इनलाइन एक ही लाइन में सेट करता है, इनलाइन ब्लॉक भी एक ही लाइन में सेट करता है लेकिन ऊपर से एक लाइन छोड़ के लाइक एक ब्लॉक बना के उस मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, क्लियर, यस सर। This display in block. इस कंटेंट को ध्यान रखना क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यस सर, इन लाइन, बट इट डिफरेंट इज दैट यू आर एबल टू सेट द विड्थ एंड हाइट, और कंटेंट है अभी हम मैं जितना बता रहा हूँ ना ये विड्थ को लेकर ही बता रहा हूँ, yes, okay? आज के क्लासेस इतना तक ही बताऊंगा विड्थ को लेकर, ओके सर। तो ब्लॉक क्या है, अभी हम लोग इनलाइन ब्लॉक पढ़ा है, तो ब्लॉक क्या करते हैं, CSS display the block element. It's much as horizontal space as they can. Means ki the block element take the full available width. Okay. Then make inline break before and after them. अब जैसे देख लो यहाँ पे ये paragraph पे लगा है ना, hello TCA Java ये blah blah जो है उन्होंने लिखा है, block में कैसे इसको लिखा है,
अरे यहाँ पे देखो रिप्लेस की अरे अब यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ दिया है यहाँ पर ध्यान देना हमने यहाँ पर किसी भी स्पेस नहीं दिया और ना ही ब्रेक लाइन लगाया एक ब्लॉक जैसे बना देता है इन लाइन ब्लॉक क्या था ऊपर से एक स्पेस छोड़ के आता था अभी मैंने इसको पहले वाला प्रोग्राम में हाँ। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक तो बन ही रहा है ठीक है सबको एक स्पेस सब ब्लॉक सब एक ब्लॉक अगली वाली लाइन कह रहे हमने इन लाइन देखा इन लाइन ब्लॉक देखा और तीनों को समझने की कोशिश करो इन लाइन क्या करता है सबको एक ही लाइन में डिस्प्ले करता है लेकिन जब इन लाइन ब्लॉक यूज करा तो ऊपर से एक लाइन छोड़ के यानी ब्लॉक बना के डिस्प्ले कर रहा है और सिर्फ ब्लॉक क्या करता है हर एक पैराग्राफ का एक ब्लॉक के साथ मैसेज को डिस्प्ले कर रहा है यस सर एक और कंटेंट है इसके बाद क्या है दो और कौन से कॉन्सेप्ट है इसके टॉपिक में यस सर रन इन का मतलब क्या होता है दिस प्रॉपर्टी डजंट वर्क इन द मोज़िला ठीक है मोज़िला में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सारे प्रॉब्लम में सपोर्ट करते हैं ठीक है कि दिस एलिमेंट डज नॉट प्रोड्यूस द स्पेसिफिक बॉक्स ये क्या करता है यहाँ पर इसे देखो फिर मैं बताता हूँ यस सर आपका आवाज कट रहा है मैंने म्यूट किया हुआ कटा नहीं है अच्छा अच्छा मैंने ओके सर टाइम दिया था एक मिनट देख लो फिर अच्छा ठीक है सर हो गया
ये सर हो गया। तो इसको अगर मैंने सेव किया रन इन, जो चीज पैटर्न में रहेंगे उसी पैटर्न में बाइट डिफॉल्ट तो समझना। इफ द रन बॉक्स इन कंटेन द बॉक्स ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक बॉक्स इट विल द सेम ब्लॉक, ठीक है ब्लॉक ब्लॉक होना चाहिए ओके, इट विल डिस्प्ले द सेम ब्लॉक। इफ द ब्लॉक बॉक्स फॉलो द रन बॉक्स द बॉक्स बिकम्स द फर्स्ट नेम बॉक्स। अब ये ब्लॉक में आएगा ठीक है, क्योंकि वो पहले की जैसे था ना, वो ब्लॉक इन था अगर हमने यूज करा तो सेम एज अ ब्लॉक ही दिखेगा, है ना रनिंग तो सेम एज अ ब्लॉक ही पहले ही वाला, इसलिए कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं आया ओके। इफ द इनलाइन बॉक्स फॉलो द रन बॉक्स देन, अभी एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूं इसमें, नहीं ये वाला नहीं है, नन में क्या तो समझ में आ रहा होगा ना क्या है। यस सर, डिस्प्ले नन इज नॉट विजिबल, अगर उस हेडिंग को डिस्प्ले करना चाहते हैं मैंने कंट्रोलर से सब किया और यहाँ दिख रहा सिर्फ दो, जबकि मैंने कितना यूज किया, तीन टैग यूज किया था, H1 दो एच था, दो H1 था, एक पैराग्राफ था, दिख रहा सिर्फ एक। किसी टैग को अगर हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, हाइड का मतलब ये ना कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पेज में उसको हम यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू होगी फर्दर दूसरे पेज में उसके साथ ऑपरेशन करना है कर सकते हैं, लेकिन वो विजुअल नहीं होगा, विजुअलाइज नहीं होगा, दिखेगा नहीं, इसको हिडन बुक भी होते हैं, हिडन ही होते हैं फॉर्म, फॉर्म के अंदर हिडन पड़े थे ना कुछ, वैसे ही है यहाँ पे, मतलब वो दिखेगा नहीं, देखिए उसके स्कोप रहेंगे उस पेज के अंदर ऐसे ही होगा। तो आज हमने जो कुछ बताया मैं चाहो एक बार समझो और प्रैक्टिस करना, और इसी के आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा।